आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आज 10 जून राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्धापन दिवस पर मैं सभी भिवंडी शहर के वासियों को और महाराष्ट्र के वासियों को, खासकर मेरे भिवंडी शहर राष्ट्रवादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता फ्रंटल सेल विंग सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आज के दिन हमारे शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली थी और उनके संघर्ष से, उनकी मेहनत से आज राष्ट्रवादी पार्टी महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ नंबर एक पार्टी हो गई है। और जिस तरीके से आज हमारे शरद पवार साहब के सिपाही, चाहे वो जो भी मंत्री हों, आज मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो जितेंद्र आवार साहब हो, जयंत पाटिल साहब हो, अजीत दादा पवार साहब हो, धनंजय मुंजे जी हो, छगन भुजबल साहब हो, जो भी मंत्री है, सब लोग अपने अपने एरिए पे सक्षम हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके दरबार, जनता दरबार लगा के उनकी समस्या सुन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि रत्नागिरी में इतनी बड़ी इतना बड़ा भूकंप आया, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल राष्ट्रवादी का था। बाढ़ आई, बाढ़ में सबसे बड़ा रोल राष्ट्रवादी पार्टी का रहा। कोविड को लेके, जो कोविड में जितनी बड़े मतलब राष्ट्रवादी ने अच्छा रोल निभाया है, वो कोई पार्टी ने नहीं निभाया है। अनाज बांटने से लेके, इंजेक्शन से लेके, ऑक्सीजन से लेके, हर चीज़ में चढ़ भर कर हिस्सा लिया। तो राष्ट्रवादी पार्टी आज जनता के साथ रोड पर उतर के काम कर रही है, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और आज जनता भी राष्ट्रवादी पार्टी को पसंद कर रही है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बयान आता है, अगर उसका कोई जवाब देता है आँख में आँख मिलाकर, वह शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी के मंत्री लोग हैं और उनके कार्यकर्ता लोग हैं। जनता के लिए आगे आप क्या करेंगे? अभी पहले तो ये है कि सबसे पहले आज जो है हमने जो वर्धापन दिवस बनाया है, इसको हमको 4-5 प्रोग्राम हमारा और भी है। 12 जून को हम लोग मेडिकल कैंप लगा रहे हैं अपना सलामतपुरा नए गांव में, और 13 तारीख को फरहान हॉल में जॉब फेयर का प्रोग्राम है, 14 तारीख को ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है, 15 तारीख को साहू महाराज जी, शिवाजी महाराज
मतलब जो भी महापुरुष लोग हैं उनके बारे में जानकारी देना है लोगों को, जनता के बीच में बताना है ऐसे। और 16 तारीख को हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो उसके अंदर जो आज नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हैं और महंगाई को लेके आज पेट्रोल डीजल जो का भाव बढ़ते चला जा रहा है, गैस का सिलेंडर का भाव, CNG का भाव सब बढ़ते चला जा रहा है, उसको लेके OBC रिजर्वेशन को लेके एक मुद्दा है। चौथा आज जो मेडिसिन की रेट जो इतना फास्ट बढ़ रहा है, ये सब मुद्दे को लेके हम लोग 16 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, आनंद डी चौक से लेके प्रांत ऑफिस तक के। आज हमने यहाँ पे केक काटा, मिठाइयाँ सब कार्यकर्ताओं में बांटी और सब खुशी का माहौल था, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दिए। और आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी पार्टी का जो टारगेट है IGM हॉस्पिटल का, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक करना चाहता हूँ। हो गया लगभग डिसीजन फाइनल हो गया राजेश टोपी जी का आने का। दूसरा हमारा मुद्दा पानी को लेके है, जो हमने 100 MLD पानी पास तो करा लिया, लेकिन 465 करोड़ रुपया वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो MJP से बैठ के बात करेंगे अवार साहब और अजीत दादा पवार साहब, और वो बासा डैम से लेके 62 किलोमीटर यहाँ तक के भिवंडी शहर तक के वो पाइपलाइन लाना है, वो एक साल का प्रोजेक्ट है, वो हमको एक हमारा एक मकसद है करने का और करेंगे इंशाल्लाह। भिवंडी महानगर पालिका की जितनी भी स्कूलें हैं अपनी माइनॉरिटी की, उसके लिए एक बहुत बड़ा फंड पैकेज दे रहे हैं जितेंद्र अवार साहब, और अभी हमारा जो फंड आया 7 करोड़ रुपया, बहुत जल्द काम चालू होने शुरू होने जा रहा है। और उसके अलावा अधिवेशन ख़त्म होने के बाद जुलाई में एंड तक के इंशाल्लाह काफ़ी फंड और भिवंडी के अंदर आ रहे हैं शहर के, भिवंडी शहर के विकास के लिए। तो राष्ट्रवादी पार्टी कहीं ना कहीं काम कर रही है और काम करेगी, और आज संगठन एक राष्ट्रवादी पार्टी का भिवंडी शहर में बहुत मजबूत हो चुका है माशाल्लाह। संगठन भी शहर में जाके काम कर, लोगों को जो भी मूलभूत या जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो काम करके दे रही है। और आने वाले वक्त में हमने आज यहाँ पर शपथ ली है, सब पदाधिकारी कार्यकर्ता है, आने वाले 2022 के इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी रहेगी।